मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन सूबाई सदर मोहम्मद अरशद भट्ट की क्यादत डिस्ट्रिक्ट लाहौर समेत साहिवाल रहीम यार खान अस्पताल के जिम्मेदार ने सेक्रेटरी सेहत पंजाब अहमद जावेद काजी से मुलाकात की। मुलाकात में मुलाजमीन के दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। सूबाई सदर मोहम्मद अरशद ने सूबाई सेक्रेटरी सेहत को मुतालिबात पर मुश्तमिल एजेंडा पेश किया, जिसमें डेली वेजिस वर्क चार्ज मुलाजमीन को हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक रेगुलर करना, हर तरफ मुलाजमीन की बहाली, दौरान ड्यूटी जख्मी मुलाजमीन के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान, 1 से 4 स्केल तक रिस्क अलाउंस, स्केल 5 से 15 तक के रिस्क अलाउंस में इजाफा किया जाना, तमाम अस्पतालों में DPC का फौरी इनाकाद, हेड मौली और हेड जमादाद क्लर्क निजी शोबे के तहत सफाई और सिक्योरिटी निजाम का खत्म, मुलाजमीन के लिए रहायशी कलोनी और खस्ता हाल घरों के असर नो तमीर, हेल्थ मुलाजमीन की फैमिली के इलाज मुआवजे के लिए तरीके कार वाजिया किया जाना, गंगाराम अस्पताल मुलाजमीन के मसाइल समेत शेख जैद अस्पताल, रहीम यार खान और साहिवाल डिवीजन के सरकारी अस्पतालों में मुलाजमीन के मसाइल और मुतालबात शामिल थे। इस मौके पर सेक्रेटरी सेहत अहमद जावेद काजी ने सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशल वाजिद अली शाह और डिप्टी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट मलक मोहम्मद इकराम को मुतालबात पर फौरी अमल दरामद के लिए अहकाम जारी कर दिए, जिस पर वफद ने सेक्रेटरी सेहत का शुक्रिया भी अदा किया और यकीन दिलाया कि वो सरकारी अस्पतालों की फलाह बहबूद और मुलाजमीन के मुआवजे में किसी किस्म की कसर उठा ना रखेंगे। रिपोर्ट कर रहे थे असद खल, ग्रेट न्यूज़ लाहौर।